जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। आर पाटिल जी सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के नेता नहीं थे, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे और आज भी मेरे लिए उनके मन में प्यार, मैं आज भी उनको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि एक सत्य के साथ रहने वाला, लड़ने वाला महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता, आज भी किसी को राजनीति में आना हो, एक आदर्श नेता, अगर किसी को उनका पूरा होमवर्क करके आगे नेता बनना हो तो एक आदर्श नेता की तरफ, आरआर पाटिल की तरफ आज भी महाराष्ट्र की जनता देखती है। सिर्फ बहुत नेता है वो आके चले जाते, लेकिन एक नेता ऐसा आता है जो हमेशा दिल में रहता है, वो दिल में आज भी धड़कने वाला नेता कौन है, तो वो आरआर पाटिल जी है। हम सब उनको बहुत मिस करते हैं। ऊपर से दूसरी बात है, उनके जाने के बाद हमारी भाभी जो कभी भी पहले बाहर पॉलिटिक्स में नहीं थी, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, सुमन भाभी ने बहुत अच्छा काम किया और आज आप देखेंगे कि जिस तरह से रोहित उनका बेटा जिस तरह से लड़ रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। रोहित पवार और रोहित पाटिल आज दोनों भिड़ गए हैं और ये नई युवा पीढ़ी महाराष्ट्र की सेवा में लगी हुई है और उसमें रोहित पाटिल आज उनके फादर के जो सपने महाराष्ट्र के लिए थे वो लेके आगे जा रहे, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम, आपने एक इंसिडेंट सुना होगा जिसमें कुछ लोगों ने एक कपल को की बहुत जमकर पिटाई की बैंड्रा टर्मिनस पे, उसमें एक लड़का जो है वो मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। उस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हुई जिसने उन लोगों की पिटाई की, पुलिस ने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था, लेकिन ये लोग पकड़कर पुलिस के पास देना, तो पुलिस मैकेनिज्म क्या कर रही है, तमाम सवालों के। होम मिनिस्ट्री हैज कम्प्लीटली फेल्ड दिस स्टेट, मैंने पहली बार नहीं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि होम मिनिस्ट्री जवाब दे, क्योंकि जिस तरह से क्राइम महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, आप नासिक देखिए, आप पूना देखिए, कहाँ कहाँ क्राइम महाराष्ट्र में हो रहा है और मैं देश में भी, मैंने अमित शाह जी को बहुत बार मैंने ट्वीट भी किया है कि अमित शाह जी मणिपुर में जैसे प्रॉब्लम्स है, हरियाणा में जैसे प्रॉब्लम्स है, वैसे महाराष्ट्र में भी होम मिनिस्ट्री की नज़र ने उन्होंने देखना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो आज देख रहे हैं आप वो बहुत असुरक्षित ऐसा माहौल है और मुझे अमित शाह जी से विनती है कि उन्होंने महाराष्ट्र का भी मणिपुर और हरियाणा के साथ रिव्यू लेना चाहिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए जहाँ पर लोगों ने पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए स्टेटस डाला या ये ऐसी बातें हैं। मुंबई के कुलाबा में भी एक इंसिडेंट सामने आया जिसमें 19 साल के लड़के जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस लगा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुलिस ने खैर कार्रवाई की है, लेकिन ये तमाम इंसिडेंट्स को आप कैसे देखते हैं? एक तो मुझे पता भी नहीं, मैं आपसे ही सुन रही हूँ, पता नहीं ऐसे चीज़ें आपको मालूम कैसे होती हो, क्योंकि मैंने आज जो पेपर पढ़ा उसमें तो मैंने पेपर ना टीवी पे देखा है, तो आई कांट टॉक अबाउट समथिंग अनलेस आई फैक्चुअल, अगर आप मुझे वो दिखा दे तो मैं जरूर इस पर टिप्पणी करूंगी। भाई, एक सवाल आपसे ये है, आप बीते दिनों सीक्रेट मीटिंग के बारे में बार बार बातें कही जा रही है, पवार साहब ने खुद भी क्लैरिफाई किया है, आपने भी क्लैरिफाई किया है, सवाल अब इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान साहब के स्टेटमेंट से हुआ, उन्होंने कहा है कि आपको जो है केंद्र में पद ऑफर किया गया है, शरद पवार साहब को भी केंद्र में जो है एग्रीकल्चरल पोस्ट और तमाम ऐसे कैबिनेट पोस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या आपको किसी भी प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आया है? क्या इन तमाम मीटिंगों में आपको कोच करने की तथा पवार साहब को कोच करने का प्रयास किया गया है? आपने मुझे सीधा जब सवाल दिया किया है आपको सीधा जवाब ही दूंगी, मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे। कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं, आपके अलायंस पार्टनर है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्या जानबूझ के ऐसी बातें की जा रही है? उनका ये भी कहना है कि आप लोग चुनाव भी जो है वो हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस और उद्धव गुट जो है साथ में चुनाव लड़े, क्यों ऐसे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वो मुझे नहीं पता, खुश नहीं है लोग, आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि न पवार साहब ने ना मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है, जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। विजय वेंकटेश्वर ने साफ तौर पर कहा है कि एक ऑफर आया है और अजित पवार की दादा की मुलाकात लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि वो शरद पवार दादा सर को मनाना चाहते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस के साथ हैं मुख्यमंत्री, महाविकास अघाड़ी बोर्ड है ऐसा
अभी कांग्रेस ने जो सवाल किए हैं उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, ना मैंने, ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग विच इज़ हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट नो।